मित्रों नमस्कार, मैं वैद्यरत्न संदीप पटेल, निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सूरत, गुजरात, इंडिया से। मित्रों मेरा ये जो पंचकर्म की श्रृंखला जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें मेरा प्रोटोकॉल बताते जाऊँगा, एक एक डिसीज में हम किस तरह से अपने क्लिनिक में, अपनी अस्पताल में, अपने पंचकर्म सेंटर में पंचकर्म कर सकते हैं। गुदरजी साहित्यिका के पश्चात आज मैं मनियाशूल, ग्रीवाशूल, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, एक वात व्याधि जिसमें ग्रीवा में काफ़ी सारा दर्द होता है, ज़्यादातर कंप्यूटर पर काम करने वाले, एक जगह पर बैठे बैठे काम करने वाले, नीचे दिख करके काम करने वाले, मोबाइल की जो एडिक्ट हो गए हैं उसकी वजह से ये रोग बहुत देखने को मिलता है। हाथ में झुंझुनाहट तक की तकलीफ हो जाती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट मेरे यहाँ आता है। आप दवाई में जैसे मैंने गुदरसी में बताया, वैसे आप काशनाथ गुगुल, महायोगराज गुगुल, श्रीनाथ गुगुल, टिंडुकवटी, विष टिंडुकवटी, अग्निटुंडीवटी, एकांगी रस, ब्रोथवाद, चिंतामणि रस, वातारी कसाई, दस मुलियादी कसाई, ये सब दवाई आप दे सकते हैं, सब लोग देते हैं और उससे फायदा भी होता है। युक्ति प्रमाण से दवाई का आयोजन करेंगे तो उससे भी पेशेंट को बहुत सारा फायदा होता है। पर मैं जैसे मैंने बताया, मैं पंचकर्म के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे गुरु पूज्य पोलीपल्ली यादैया और डॉक्टर वैद्य नरसिंह भाई पटेल पूना कुंभारिया, पूज्य नरसिंह भाई कभी पंचकर्म नहीं करते थे, पर उनका एक प्रोटोकॉल रहा था, वो लोकल एप्लीकेशन भी नहीं देते थे पर नस्य जरूर देते थे, और मैं उनको भगवान समझता हूं। तो मेरा सबसे पहला आपको प्रैक्टिस में, अगर मनियाशूल, ग्रीवाशूल, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट आए तो लोकल एप्लीकेशन के साथ घर पे गुड़ सुधी नस्य का प्रयोजन करने के लिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ। पंचकर्म के प्रोटोकॉल में अभ्यंग स्वेदन, नाड़ी स्वेदन देता हूँ मैं ज़्यादातर इसमें, अभ्यंग बला तेल, महानारायण तेल, निर्गुंडियादि तेल, वातांतक तेल का अभ्यंग, पश्चात स्वेदन, स्वेदन में मैं दसमूल काढ़ा के साथ निर्गुंडी पत्र, एरन पत्र भी डाल के उसका नाड़ी स्वेदन करने के लिए देता हूँ। तत्पश्चात लोकल बस्ती यानी ग्रीवा बस्ती यानी मनिया बस्ती, उसमें भी वही वातांतक तेल, बला तेल, महानारायण तेल का सम्मिश्रण या तो निर्गुंडियादि तेल का लोकल एप्लीकेशन करवाता हूँ। तत्पश्चात नस्य कर्म जरूर देता हूँ। नस्य कर्म करने के बाद मैं धूम नस्य भी जरूर देता हूँ। धूम वर्ती मैंने जो ऐसे आप बताता हूँ बार बार, वैसे घी के अंदर हल्दी, शुंठी, यष्टी मधु, वचा, कर्पूर और शुंठी का वाट बना करके उसका धूम नस्य नस्य के पश्चात देता हूँ। और बस्ती चिकित्सा इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, स्नेह बस्ती, वातांतक तेल किया तो बला तेल किया तो निर्गुंडियादि तेल किया, या तो आपके पास जो भी है वायु के समन करने के लिए तेल, उनकी अप टू 60 ml तक का मैं बस्ती देता हूं। पेन जब भी ज्यादा अवस्था में हो, जब भी पेन ज्यादा होता हो, पेशेंट परेशान हो पेन से, तभी मैं वैतरण बस्ती का आयोजन करता हूं, और या तो पेन कम हो तो मैं पंचकोलादि क्षार का बस्ती देता हूं। साथ में शोथ हार लेपन घर पे लगाने के लिए 100% देता हूँ, जिससे पेशेंट को रात को बहुत सारा पेन सबसाइड होता है, ऐसा पेशेंट का रिव्यू है। घर के प्रयोग में मेरे गुरु पूज्य नरसिंह भाई पटेल का 100 ग्राम से केवी मेथी, 100 ग्राम हल्दी, 5 ग्राम ग्रंथिक यानी पिपरा मूल का चूर्ण इकट्ठा मिश्रण करके एक एक चम्मच सुबह शाम, एरंड स्नेह या तो सुंठी के पानी में या तो सिंपल एरंड स्नेह पानी में, चाय में या तो दूध में लेने की सलाह देता हूं। मित्रों 10 दिन का मैं एक बस्ती का क्रम देता हूं और 30 डेज या तो 40 डेज के बाद वापस उसको रिपीट करवाता हूं, पर मैक्सिमम पेशेंट इतने चिकित्सा से 100% ठीक हो जाता है। वैद्य रत्न संदीप पटेल 7574861866।
निरामय आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल www.niramayayurveda.com मेरी वेबसाइट। आयुर्वेद महान है। दीपावली के शुभकामना के साथ सब सुखी रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, निरामय रहे, ऐसी सबको शुभकामना। धन्यवाद। नमस्कार।